हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर होंगे, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठेगा, कुछ मजेदार चीजें बात करेंगे, आपको मजा आएगा। दोस्तों आपने देखा होगा तो मैंने कुछ नाम भी नहीं रखा, बिकॉज वी विल क्रिएट मैजिक, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। दोस्तों मैं आपको दिल से बताता हूं, मुझे ना खेलना बहुत पसंद है, बहुत। मैं अभी भी आई मेक श्योर कि मैं संडे को खेलूं, ये रिड्यूस बॉल अभी हर संडे से, कल मैच खेल के आया मस्त, अभी तो दो दिन खेल रहा हूं, सैटरडे संडे दोनों। ऐसे ही बैट वगैरह तो शायद आप लोगों को पता नहीं दिखाया कि नहीं, हर संडे इस तरह से हम लोग खेलते हैं, बहुत सारे टेबल टेनिस वगैरह जो भी, टेबल टेनिस से लेके जो भी कुछ भी खिला ले, मैं तो एकदम एवर रेडी रहता हूँ, बस खिला ले। दोस्तों आप में से वो लोग जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, या कुछ ऐसे होंगे जो उनको डांस पसंद होगा, ड्राइंग पसंद होगी, कोई भी चीज़, मैंने थोड़ा सा बायस किया हुआ है, मैंने कुछ क्लिप्स रखे हैं आपके लिए, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स के क्लिप रखे हैं तो उसके लिए अपॉलोजीज, लेकिन आप देखिए फिर हम बात करते हैं। दोस्तों क्या धोनी साहब से अच्छा कोई ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मार सकता है? डिसबिलीव हो जाता है यार ये देखिए कि कोई ऐसा कैसे खेल सकता है यार, कोई इतना रिकॉइल जनरेट कैसे करता है, यहाँ पे रिस्ट में और आपके फोरआर्म्स में कितनी जान होनी चाहिए, और ये वाला मैच कैसे बोल सकते हैं भाई साहब, जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इस मैच को पुल ऑफ करना। धोनी आप देख सकते हैं यहाँ पे चार बॉल में शायद 12 रन को चाहिए था और धोनी साहब ने काटने छक्का मारा था, मेरे ख्याल एक मकाए करके बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, वो आया हुआ था, 105 मीटर का छक्का था, ऑलमोस्ट 102-105 मीटर का छक्का था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिक्स इस ग्राउंड का। लोग कमेंटेटर्स डिसबिलीफ में चले गए कि कैसे ऐसा कोई कैलकुलेट कर सकता है। धोनी साहब जो बैटिंग करते थे तो सबको लगता था कि यार गए यार ये मैच हार गए, बट धोनी साहब का कैलकुलेशन पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता था उनका कैलकुलेशन उतना क्लियर होता जाता था। विराट कोहली साहब लोग बोलते हैं कि जब चेस करते हैं तो भाई साहब वो गॉड लेवल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट शॉट विराट कोहली साहब का ये, मैं मानता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात नहीं करूँगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लोगों को अलग ही एलिगेंस रहता है, राइट हैंडेड बैट्समैन में और शायद लेफ्ट हैंडेड में भी, जिस तरह से विराट कोहली साहब कवर्स में खेलते हैं, इट्स एन एब्सोल्यूट सिंफनी, मतलब इतना ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल। आजकल के नए लड़कों में आपने देखा होगा हमारे ये बाबर आजम साहब पाकिस्तान के हैं, जो विराट कोहली साहब को कॉपी भी करते हैं, आइडियल मानते हैं, विच इज गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा खेलते हैं वो भी, कवर्स का जो एक्स्ट्रा कवर का शॉट मारते हैं। इंडिया में यंग लड़कों में देखेंगे तो शुभमन गिल आए हुए हैं, वो भी क्या गजब का शॉट मारते हैं कवर्स एक्स्ट्रा कवर में, पूरा कॉपी पेस्टेड लगते हैं विराट कोहली साहब के। इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी और बहुत लोग खेलते हैं, केन विलियम्स और जो रूट, लेकिन विराट कोहली साहब का ये वाला शॉट मुझे नहीं लगता कोई कॉपी कर सकता है। और भाई साहब आपके और मेरे एकदम प्राइड सचिन तेंदुलकर साहब, और जिस तरह की बॉलिंग को उन्होंने खेला उस जमाने में, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, ब्रेटली, शोएब अख्तर, ये मैच आपको याद है जो दन दन एक्स्ट्रा कवर में ब्रेटली की वो बॉल खराब नहीं थी, लेकिन जब आप देखेंगे यार इतना क्लियर कोई कैसे हो सकता है यार, इस शॉट में 140-150 की स्पीड पे बॉल आ रही, दन से आपने चौका मारा, आपको लगेगा बॉस। थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चलते हैं दोस्तों, उज़ैन बोल्ट साहब की रनिंग, जिस तरह से उज़ैन बोल्ट साहब, ये सिम्फनी है, दिस इज एब्सोल्यूट म्यूजिक, कोई कैसे ऐसा दौड़ सकता है यार, कोई ऐसा कैसे खेल सकता है। दोस्तों एक और हिंदुस्तान के प्राइड, और वह है नीरज चोपड़ा साहब। दोस्तों नीरज चोपड़ा साहब का जैवलिन, आपको ये मोमेंट याद होगा जब उन्होंने फेंका, वो पीछे मुड़के उन्होंने इस तरह से किया था, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक गजब का क्लैरिटी, एक गजब की क्लैरिटी अपनी एबिलिटीज पे भी, दोस्तों ये शायद सीसी रिक्वायरमेंट होती होगी। ये होता क्या है, और ऐसा देखा गया है जब स्पोर्ट्स पर्सन, ये जिस चीज को मैं सिम्फनी कह रहा हूँ, ये खेलना नहीं होता, सिम्फनी इट्स एब्सोल्यूट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, जब लोग देखते हैं मेरे और आपके से, जब लोग देखते हैं, हम बोलते हैं कि कोई ऐसा कैसे खेल सकता है। देखा गया कि इस वक्त पे एथलीट्स जब अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम खेलते हैं, उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8-14 हर्ट्ज होती है। कुछ सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरह से, जब धोनी साहब अंडर प्रेशर खेलते हैं, जब तो रिटायर हो गए लेकिन जब खेलते थे, तो एक आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जितना प्रेशर अमाउंट होता जा रहा है उतना उनकी सोचने की क्षमता क्लियर होती चली जा रही है। क्या मैं आप हम सभी डेवलप कर सकते हैं, और हाँ तो किस तरह से, इसी टॉपिक पे आज का डिस्कशन है। दोस्तों एक लाजवाब किताब से कंटेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, दोस्तों ये रहे मेरी प्रोफाइल, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपसे कहा, ये देखा गया कि दुनिया के जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स जब अपना बेहतरीन गेम खेलते हैं, तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8-14 हर्ट्ज के आसपास होती है। दोस्तों मतलब जितना ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा है उतना क्लैरिटी, इमेजिन करके देखिए, विराट कोहली साहब चेस कर रहे हैं और दन दन 100-100 मार रहे हैं, धोनी साहब बैटिंग कर रहे हैं और 20 बॉल में 50 रन चाहिए, बाकी लोग सोचे कि मैच खत्म हो गया, एंड जस्ट पुल्ड इट ऑफ फ्रॉम नो वेर, पुल्ड इट ऑफ, और मैं और आप देखते हैं ऑस्ट्रक हो जाते हैं कि सर जी ऐसा कैसे खेल सकते हैं, सर जी आप ये तो नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। दोस्तों
बात सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं है, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप देखेंगे जब एक इंसान अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम खेलता है, आप में से कई लोग कोडिंग ऐसे करते होंगे, आप में से कई लोग पढ़ाई ऐसे करते होंगे, डांस, कई लोग जब डांस करते हो तो दुनिया थम जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो यंग लड़कों का ग्रुप है MJ5 करके, वो लड़के मुझे बहुत मस्त लगते हो, क्या क्या डांस करते हैं। एक वो क्रॉकरोच करके एक लड़का है, राघव रमन, नाम मैं भूल गया, वो बहुत ही अमेजिंग मुझे लगता है वो लड़का। ऐसे बहुत सारे आपके फेवरेट्स होंगे, माइकल जैक्सन से लेके हो सकता है, आई डोंट नो, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानता, ऐसे आपके फेवरेट होंगे सिंगर्स होंगे, जैसे हमारे बहुत सारे सिंगर्स होंगे, आई एम रियली सॉरी, जिनकी आवाज आप सुनते होंगे, जिनके डांस को आप देखते होंगे, जिनके कॉमेडी टाइमिंग्स को आप देखते होंगे, जिनकी पढ़ाई से लेकर ड्राइंग आप बोलते होंगे, अनबिलीवेबल, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिम्फनी। दोस्तों एक किताब है, उस किताब का नाम है फ्लो, रिटन बाय मिस्टर मिहाई सेक, ये साहब है मिस्टर मिहाई सेक मिहाई। इन्होंने क्या बताया इस किताब में वो देखिएगा दोस्तों, एक वो समय जब आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 8-14 हर्ट्ज होती है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, एक वो समय जब आपको कोई भी काम एकदम आसान लड्डू लगता है दोस्तों, एक वो वक्त जब आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, वो वक्त जब आपको लगता है कि आप एब्सोल्युटली फ्लो कर रहे हैं दोस्तों, डिनाय मत कीजिएगा, आप और मैं हमने किसी ना किसी काम में, चाहे वो दिवाली के दिन रंगोली बनाने से लेके, ड्राइंग बनाने से लेके, खेलने से लेके, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से लेके, पढ़ाई करने से लेके, जब वो गजब का मजा आता है, हमने इस वाली फीलिंग की अनुभूति जरूर की है। सर मैं भूल गया हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, आज के इस दौर में मैं और आप इतना हुक्ड है ना चारों तरफ की इंफॉर्मेशन से कि हम वो सारे इमोशंस कई बार भूल भी जाते हैं। चलिए फिर आज के टाइम के हिसाब से देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार प्लेजर में और हैप्पीनेस में या फिर एंजॉयमेंट में डिफरेंस है क्या, आप बोलेंगे इतना मतलब इतना क्लोज तो है वर्ड, तो उसको और सिंपल करके देते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है प्लेजर, अगर सिर्फ प्लेजर ही जिंदगी का ऑब्जेक्टिव होता तो आज की तारीख में आप और मैं इतने सारे शोज बिंज वॉच करते हैं, इतने सारे मतलब टेलीविजन के आगे बैठ के आराम से पिक्चर देखते रहते हैं, शोज देखते रहते हैं, ये है दोस्तों प्लेजर। लेकिन आप याद कीजिए दोस्तों, अगर लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये होता, मेरा और आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये होता, तो शायद हमको इस तरह से बिंज वॉच करने में मजा आता, हम उसके बाद एग्जॉस्टेड फील नहीं करते। लेकिन आप देखेंगे ना तो ये समय काटने जैसा है, ऑथर ने बताया और दुनिया के बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया कि भाई साहब प्लेजर एंड एंजॉयमेंट में डिफरेंस है, ये जो है सब प्लेजर, ये वही प्लेजर है जो आपको केक वेक खाने में आ जाए, पिज्जा पुज्जा खाने में आ जाए, कोई भी स्वादिष्ट आपका जो मनपसंद भोजन है वो खाने में आ जाए, बिंज वॉच करने में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद ना एट द एंड ऑफ द डे यू फील एग्जॉस्टेड। फिर एंजॉयमेंट क्या होता है, एंजॉयमेंट इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को आप करते हैं तो आपको लगता है यार मजा आ गया सर, मैं तो झूम उठा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और दुनिया उस काम को देख के बोलती है मिरेकल, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मिरेकल, क्योंकि आप ऐसा एंजॉय करते हैं कि आप खो जाते हैं उस काम में। मैंने कहा दोस्तों एब्सोल्यूट प्यूरेस्ट फॉर्म सिंफनी क्रिएट होती है उस वक्त पे दोस्तों, यही डिफरेंस होता है प्लेजर एंड एंजॉयमेंट में। एंजॉयमेंट जिसको आप बोलते हैं, जो आपका ब्रेन हैप्पीनेस का लेवल अटेंड करता है, जब आपका ब्रेन प्रॉब्ली 8-14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होता है, जब आपको लगता है कि समय थम चुका है, जब आपको लगता है कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं आपको मतलब मजा आने लगता है, दुनिया उसको देख के सोचती है कि ये क्या क्रिएट हो रहा है, पीपल गेट ऑस्ट्रक, ये सारे मोमेंट्स वही हैं, और ये सारे जो प्लेयर्स हैं दोस्तों ये अपने जोन में आ जाते हैं। कई बार आप बोलते हैं कि एक मिनट रुक जा, डिफोकस मत कर मुझे, मैं अपने जोन में आ चुका हूं दोस्तों। चाहे वो धोनी साहब को इस तरह से रिकॉइल वाला शॉट मारना हो, हेलीकॉप्टर शॉट मारना हो, चाहे विराट कोहली साहब का एक्स्ट्रा कवर में या कवर्स में ड्राइव मार रहा हूं, चाहे सचिन तेंदुलकर साहब का इस तरह के शॉट्स हो, कवर्स एक्स्ट्रा कवर के ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव, आप तो एंजॉय कर रहे होते, दुनिया बोलती कुछ तो मिराक्युलस क्रिएट हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए क्या आपको लगता है ये चीज अटेन की जा सकती है, इसका जवाब है यस। मिहाई सेक मिहाई साहब ने इस किताब में जिसका नाम है फ्लो, उसमें कहा बिल्कुल ये चीज अटेन की जा सकती है जब आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों हिंदुइज्म में इसको कहते हैं निर्वाणा, निर्वाणा में एक्चुअली बेसिकली इसको आप बोलते हैं आत्मा का ब्रह्म से मिलन, मतलब जब आप और काम एक हो जाए, आपको पता ना चले कि टाइम कोई फैक्टर एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये स्टेट अचीव की जा सकती है। इस किताब में इन साहब ने मिस्टर मिहाई सेक मिहाई साहब ने कहा कि बिल्कुल अचीव की जा सकती है। किस तरह से अचीव की जा सकती है, मैं सिर्फ सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में 3 स्टेप्स में आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, स्टेट्स होती क्या है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मदमस्त होकर सुनिएगा वीडियो को, मैं आपके लिए एकदम मस्ती से इस वीडियो को बना रहा था, इसलिए आपके लिए ना ये स्पोर्ट्स को मैं, क्योंकि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप ये देख छोटी सी चीज है लेकिन आप पता नहीं आई डोंट नो वहां से दिख रहा होगा कि नहीं, आपको पूरा टैन दिख रहा होगा, क्योंकि मैं खेलता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं, बहुत मजा आता है मुझे खेलने में।
तो मैं ये सब ध्यान नहीं देता ना, तो मैं झूमता रहता हूँ, खेलता हूँ। तो अभी साथ दोस्तों फ्लो स्टेट वाली किताब पे, तो फ्लो में आएंगे तो मिहाई सेक मिहाई साहब ने इस किताब में कुछ बताया। तो मिहाई सेक मिहाई साहब ने इस किताब को लिखा और उन्होंने देखिए जरा कितने सिंपल सरल बोलचाल की भाषा में कहा। इन्होंने कहा कि एक काम, एक बात सोचिए, मैं आपसे ये पूछूं कि 2+2 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 4 होती है, इसमें क्या ही है। अच्छा जी 2+3 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर पागल है क्या क्या पूछ रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, कॉलेज ग्रेजुएट हूँ या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल, सब क्या पूछ रहे हैं सर, मुझको मैथ्स पसंद है सर, लेकिन इतना थोड़ी दिन भर आप मुझे बच्चों के सवाल पूछ रहे हैं। तो होता है क्या दोस्तों, इन्होंने कहा कि जब हम अपने लेवल से नीचे के काम करते हैं वहां पे आपको बोर्डम फील होता है, वहां पे आपको फील होता है ये बोर्डम कि यार क्या ये बकवास है यार। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कई बार हम जब बोर होते हैं तो बीच में काम के बीच में मोबाइल निकल, क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन को एक्साइटमेंट चाहिए, आपके ब्रेन को थ्रिल चाहिए, आपके ब्रेन को एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन जब एंजॉय करता तो डोपामिन रिलीज करता दोस्तों। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सिंपल भाषा आपको बताता हूं, उसको ब्रेन को मजा चाहिए। तो अभी इस केस में आपका ब्रेन बोर हो रहा था, बोलता यार क्या बकवास काम है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर मैं आपको PhD लेवल के मैथमेटिक्स दूं, आपको लाख मैथमेटिक्स पसंद हो, आप बोलोगे यार ये क्या है, ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट टू फील एंजाइटी। इन दोनों के बीच में, एंजाइटी और बोर्डम के बीच में कहीं ना कहीं फ्लो स्टेट आता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई काम इतना डिफिकल्ट नहीं कि इम्पॉसिबल लगे, कोई काम इतना आसान नहीं कि बोरिंग हो जाए, इन दोनों चीजों के बीच में। अब आपका एक ऑब्वियस सवाल ये होगा कि क्या मैं अटेन कर सकता हूँ क्या फ्लो स्टेट। इस किताब में जो इन्होंने मिहाई सेक मिहाई साहब ने इतने आसान शब्दों में चीज को लिखा है, और ये बहुत ही ऑब्वियस बात भी है, देखिएगा शायद आपको लगेगा, लेकिन कई बार क्या होता ना, हम देखते हैं कि कॉमन सेंस कॉमन प्रैक्टिस नहीं होता, कई बार हम बहुत ऑब्वियस चीज जिंदगी में छोटी छोटी चीज मिस कर रहे होते दोस्तों। आपको और मुझको, हम सभी को शायद 100% चेंज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% चेंज की जरूरत होती है अलग अलग फील्ड्स में। देखिए शायद आपको उसमें मजा आया दोस्तों। इस किताब में सबसे पहले मिहाई सेक मिहाई साहब ने यह कहा कि आप जो भी होंगे, जहां पर भी होंगे, इस चीज को अटेन करने के लिए, फ्लो चैनल को या फ्लो स्टेट को अटेन करने के लिए, आप जहां पर भी हैं अपने गोल्स को एकदम क्लियरली डिफाइन कीजिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, गोल्स को डिफाइन करने का मतलब दोस्तों ये समझना, रियलिस्टिकली डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद, जैसा आपको गोल्स बनाने का मन करे दोस्तों, वो टोटली आपके ऊपर है। अपने गोल्स को पहले आप एकदम क्लियरली डिफाइन कीजिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि गोल्स मैं और आप सुने नहीं इन शब्दों को, मैं और आप, हमने बहुत सुना है। अब आप सोच के देखिए, जब हम गोल्स डिफाइन करते हैं तो कहाँ पे गड़बड़ाते हैं। पहली चीज, हमको शायद कई बार ये समझ में नहीं आता कि गोल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल दोस्तों, जैसे आप में ज्यादातर स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो गोल्स हमने बनाया तो किस तरह से कई बार गोल्स बनाते हैं कि भाई साहब 1 दिन है और मैं पूरी बुक फिनिश कर दूंगा, 500 पेज की बुक है। आपको नहीं लगता है बहुत अनरियलिस्टिक है? जब ये इतना अनरियलिस्टिक गोल्स हम बनाते हैं, हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं पता होता है कि पॉसिबल भी नहीं होना है, और हमारा ब्रेन पहले गिव अप कर चुका होता है। और आप देखेंगे जब डे खत्म होता है ना, तो हम एक भी पेज स्टार्ट नहीं किया होता है, या मुश्किल से एक आधो फॉरवर्ड अगर पढ़े होते दोस्तों। और जब पूरा दिन खत्म होता है ना, तो हमको लगता है यार मैं क्या ही किया। बिलीव कीजिए दोस्तों, इस तरह जब अनरियलिस्टिक गोल्स डिफाइन करते हैं ना, तो होता यह कि ऐसे कई बार फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स हमारा ना कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है आज पूरे दिन में मैं 1 पेज पढ़ूंगा, ये इतना बोरिंग गोल है कि आपके ब्रेन को पता है तो मैं आधे घंटे में कर सकता हूं, तो बाकी पूरे दिन दोस्तों कहा जाता है द वर्क एक्सपैंड योर, जो भी वर्क आपके पास असाइन होगा, सो द टाइम एक्सपैंड्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव। कहने का मतलब है आपके छोटा काम होगा तो भी 24 घंटे लग सकते हैं, बड़ा काम होगा तो भी 24 घंटे लग सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं ये एक रियलिस्टिक टारगेट रखा होता कि मैं 30 पेजेस इस किताब के पढ़ूंगा, क्योंकि मैं 6 घंटे पढ़ाई करने वाला हूं, और 6 घंटे में पढ़ाई करने वाला हूं, तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। पहले मैं ना, मैं एक काम करूंगा, मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा, फिर 10 पेजेस पढ़ूंगा, फिर 10 पेजेस। इस 10 पेज को फिनिश करने के लिए 5 पेजेस मुझे फर्स्ट हाफ एन आवर में पढ़ने हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले 5 पेजेस 25 मिनट पढ़ूं, ताकि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकूं, दोबारा एनर्जाइज हो सकूं। और इसके बाद मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मैं 3 घंटे मैंने 30 पेजेस कंप्लीट कर लिए, 6 घंटे में, तो फिर उसका डबल कर लिए। दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि पहले तो रियलिस्टिक टारगेट डिफाइन करें, एकदम क्लियर गोल डिफाइन करें। गोल्स को डिफाइन करना सबसे पहले आपको एक ना लिबर्टी देता है, एक फ्रीडम देता है कि आप अपने 24 घंटे को यूज कैसे करने वाले हैं। जिम रॉन्स आपको एक स्टेटमेंट शेयर करता दोस्तों, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू एंड हाउ टू एंड वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ। जिंदगी इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपको जिंदगी में चाहिए क्या,
और उसके बाद आता है आपको कैसे चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। मिस्टर टोनी रॉबिन्स जो जिम रॉन्स आपको बहुत मानते भी, अपने गुरु मानते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी अवेकनिंग द जायंट विद इन। उस किताब में जो सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है वो ये है कि अक्सर मैं और आप हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, लेकिन हम अक्सर सवाल पूछते हैं तो हम अपने आप से नेगेटिव सवाल पूछते हैं, यार मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं जिंदगी में, ये कोरोना कब खत्म होगा यार, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो डिसएम्पावरिंग होते हैं, आपको अपने आप को अपनी एबिलिटी से भरोसा करने से रोकते हैं। मिस्टर टोनी रॉबिन्स ने कहा जब भी आप अपने आप से सवाल पूछें तो ये पूछें आज अभी इसी वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी 100% से नहीं, 10% से नहीं, 5% से नहीं, अरे 1% से तो मैं इंप्रूव कर पाऊं। दोस्तों एकदम क्लियर डिफाइन कीजिए गोल को, ये सबसे पहली चीज है। मिहाई साहब ने अगला पॉइंट क्या कहा, इन्होंने कहा जब भी आप क्लियरली डिफाइन करें, सेकेंड चीज है फीडबैक। आपको याद होगा दोस्तों तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि टेस्ट पेपर को कैसे यूज करें। मैंने तीन चीजें बताई आपसे, मैंने कहा कि आप में से वो स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ईमानदार होंगे, गजब का पढ़ते होंगे, लेकिन वेरी सॉरी टू से कभी टेस्ट नहीं देते होंगे। ये बहुत ही डेंजरस सिनेरियो होता है। इन बच्चों को लगता होगा कि यार मैं अगर टेस्ट दिया तो पता चला मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया, जितना पढ़ रहा हूं मैं वो भी नहीं पढ़ पाऊंगा। दोस्तों कितना दूर भागेंगे रियलिटी से, आज नहीं तो कल रियलिटी आपको हिट करेगी, तो ना कोशिश करने से जल्दी बाहर निकले स्टेट से, ये अच्छा स्टेट नहीं है। दूसरी चीज ये अपने आपको बैम्बूजल करने वाली चीज है, अपने आपको ठगने वाली चीज है। दूसरी चीज वो होगी जो दूसरे तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो गजब की पढ़ाई करते होंगे और हर हफ्ते टेस्ट देते होंगे, लेकिन बस टेस्ट दिए और खत्म, वो कभी रिवाइज नहीं करते, मतलब रिव्यू नहीं करते, फीडबैक नहीं लेते। तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उनसे कुछ तरह की चीजें बनती हैं, कुछ तरह की चीजें नहीं बनती है। तीसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद इनसे ना नीचे होंगे, लेकिन वो हर हफ्ते टेस्ट देते हैं, लेकिन जितना टेस्ट का, फॉर एग्जांपल एक घंटे का टेस्ट दिया तो 2 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था एक्सेल शीट कैसे यूज करना, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा कि टेस्ट पेपर को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करते हैं। दोस्तों तो आपने मान लेते हैं टेस्ट दिया मस्त तरीके से, अनअकैडमी का इतना लाजवाब टेस्ट होता है, आपने दिया टेस्ट, टेस्ट देने के बाद कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूं आपका 50% भी करेक्ट नहीं है जो आपने अटेम्प्ट किया उसका, कोई बात नहीं, सारे मिस्टेक करे, लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा व्हाट वेंट रॉन्ग, तो आपने पाया कि यार मेरी कैलकुलेशन बहुत खराब है, आपने देखा कि यार मैंने जब बनाया ना क्वेश्चन को तो ऑल इंडिया में लोग 3 मिनट लेट थे, मैंने 10 मिनट लिया, मेरा प्रोसेस उतना अच्छा नहीं, इसको अच्छा कर सकता हूं, जो भी सोल्यूशन में लिखा आपने उसको लिख के रखा। तीसरी चीज आपने देखा मैंने तुक्का मारा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। चौथा चीज आपने देखा है एब्सोल्युटली क्लूलेस, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हुआ है सवाल में। दोस्तों और आपने क्या किया, इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया। नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि ये चीजें जो आपको पहले नहीं आती थी, नाउ ग्रेजुअली एंड स्लोली दिस बिकम पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंसी। मेरे कहने का मतलब है मिस्टेक करें, गलत करें, खराब करें पेपर, मैं सब कर दे, बट एवरी सिंगल टाइम मेक डिफरेंट मिस्टेक्स एंड दिस इज हाउ यू इंप्रूव इन लाइफ। फीडबैक मैकेनिज्म दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास चाहे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो आप खुद हैं, तो आपके पास भले ही दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो, मेक श्योर करें दोस्तों कि फीडबैक मैकेनिज्म अपने लिए जरूर लेके आए। जब आप फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जब ये सोचते हैं कि मैं और किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, तो आप देखिए आपकी ना परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होने शुरू होती है। मिहाई साहब ने जो तीसरी चीज बताई वो है द 4% रूल। मैं आपको बताता हूं दोस्तों द 4% रूल क्या है। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए, सिंपल भाषा में देखते हैं, मान लीजिए कि 10 मिनट में आपने सोचा है कि मैं 5 सवाल बनाऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 10 मिनट में आपने सोचा 5 सवाल बनाऊंगा, तो उन्होंने ये कहा कि एक काम कीजिए, अब आप 10 मिनट की जगह ऐसा कर दीजिए कि 4% आप कम टाइम ले लीजिए। 4% कम टाइम लेने का मतलब है 96% टाइम लेना, तो कुल मिला के कुछ इस तरह से कर दीजिए कि अब 4% कम टाइम लें या 4% अपनी एफिशिएंसी। ये 4% का नंबर क्या है सर? देखिए दोस्तों 4%, 10%, 20% जो भी लें, लेकिन 20% मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो, 4% से 5 से लेकर 10%। द आइडिया इज, आपके साथ मैंने काफी बार शेयर किया दोस्तों, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। जिंदगी उस बिकम का नाम है दोस्तों। मतलब ये है कि आपने पहली बार में 10 मिनट में 5 सवाल किया, तो अगली बार आपने प्रयास किया कि मैं 4% कम टाइम लूंगा। 4% कम टाइम लेने का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। तो होता क्या है ना दोस्तों, आपको ये पता है कि मेरी एफिकेसी एफिशिएंसी इतनी है, लेकिन आप ग्रेजुअली 4% ऊपर पुश करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपका ब्रेन रिटेलिएट कर दे, और इतना आसान भी नहीं है कि आपका ब्रेन बोर हो जाए। तो होगा क्या कि आपका ब्रेन जो है ना बेस्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में जबरदस्त तरीके से काम करेगा। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब को पढ़ेंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब है जो इस फील्ड में लिखी गई है, रिटन बाय मिस्टर मिहाई सेक मिहाई, और उस किताब का नाम है FLOW, जरूर से पढ़िएगा, बेहतरीन किताब है, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है किताब, अभी मैं इसको काफी बार इस किताब को पढ़ता हूं। तीन चीजें मैंने इस किताब के बारे में कहा दोस्तों, जब भी कोई भी काम आप करें सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। सबसे पहले यह होता है कि 24 घंटे दोस्तों हम सभी के पास 24 घंटे दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी बराबर डिवाइडेड है, हम उस 24 घंटे का करते क्या है वो हमको बनाता है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जितना आप गोल्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे ना, आप अपने टाइम को उतना बेहतरीन यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज है दोस्तों फीडबैक मैकेनिज्म, अपने आप के लिए फीडबैक जरूर लें। जब फीडबैक लेते हैं तो आपको यह पता चलता है कि मुझे कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है, जब फीडबैक लेते हैं तो आप ये सोचते हैं मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं। और तीसरी चीज है हमेशा प्रयास ये करें कि मैं कम से कम 4% इंप्रूव हूं, एवरी सिंगल टाइम आप 4% इंप्रूव होने का प्रयास करें, आप देखिएगा गजब का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे एक दिन हो, चाहे एक हफ्ते हो, चाहे 10 दिन हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें, 4%, 20%, 50%, 100% ये अनरियलिस्टिक हो जाता है कई बार। तो 4% इतना बड़ा नंबर नहीं कि मैं नहीं कर सकता, और इतना छोटा नंबर भी नहीं है कि मैं बोर हो जाऊं, 4% आपको एक बहुत बढ़िया नंबर देता है, 4% से लेकर मुझे लगता है 10% तक आप जा सकते हैं। दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है दोस्तों प्रोडक्टिविटी पे जो मैंने पढ़ी है, मिहाई सेक मिहाई साहब की द फ्लो। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस पर हम डिस्कशन करेंगे, तो यही था दोस्तों आज का डिस्कशन। दोस्तों आज 11 बजे सेशन प्रोबेबिलिटी का अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास में, आप लोगों ने कहा था तो मैंने प्रोबेबिलिटी का सेशन कंटिन्यू रखा है, आप देखेंगे तो 11 बजे सेशन होता है, 90 मिनट्स का सेशन है, आराम से पढ़िएगा, सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है सेशन। दोस्तों आज रात को मैं यूट्यूब में मिलूंगा आपसे, कुछ तो मैजिकल करेंगे, 3 घंटे का सेशन रहेगा दोस्तों, मैराथन सेशन, तैयार रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बवाल वाला सेशन मजा आया था, बस आज भी कुछ मैजिकल करेंगे, मेरा प्रॉमिस आप सभी से, सभी लोग रेडी रहिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए छोटा सा एक वीडियो बनाया था, जरूर देखिएगा अगर हो सके तो, मेरी लाइफ की मैंने 5 फिलोसफी शेयर किया, मैं ये नहीं कहता कि आप सारी फिलोसफी से अग्री करें, हो सकता है 5ों से अग्री करें, हो सकता है 5ों से डिसअग्री करें, लेकिन आपको कुछ अच्छा मिलेगा मेरे हिसाब से, आप देखिएगा मुझको एकदम जो दिल से जो लगा था मैंने आपके लिए बनाया था, ये सेशन जरूर से देखिएगा दोस्तों। फ्राइडे को सेशन लिया था मैंने, 2 घंटे सेशन था, बट आपको बहुत मजा आएगा इस सेशन में, ठीक है दोस्तों, मतलब काफी कुछ था आपके लिए। अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा, वहां गेट ईएसई मैं देखूंगा सौरभ ठाकुर, आप ये फॉलो जरूर करके रखिएगा, आप लोग चिट्ठियां लिखिएगा इस वीडियो के नीचे भी, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, आप में से हर एक का लाइक मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है, जब कमेंट करते हैं मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं, मेरे हर एक वीडियो में कितने कितने कमेंट्स हैं, किसी में 33 कमेंट्स है, 41 कमेंट्स है, 100 कमेंट्स है, तो मेरे को हर एक का कमेंट पता रहता है किस बच्चे ने क्या कमेंट किया, क्या अच्छा लगा, जो भी चाहे बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बता सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉम्बैट का सेशन देते होंगे, इसके अलावा अपने जूनियर्स को आप बता सकते हैं दोस्तों गेट ईएसई के लिए जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी में, सुपर तरीके से 12 महीने की सब्सक्रिप्शन, 2 महीने सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। दोस्तों अनअकैडमी जो स्पेशल क्लासेस जो होती हैं सभी के लिए फ्री होती हैं, डाउट पूछने के लिए फोटो खींच के आप भेज सकते हैं हमको, या तो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, नहीं तो आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों कॉम्बैट सेशन जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा हर संडे का जो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज होता है अनअकैडमी का, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों ने आपके लिए बनाया है, इसको जरूर से दीजिए, जब इस टेस्ट को देंगे देन आपको मजा आ जाएगा, एकदम रियलिस्टिकली आपको पता चलेगा कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों टेस्ट को दीजिएगा, और सभी टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ST26, अगर उनको मन होगा इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से एक साथ पढ़ने का। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 2023 के लिए, 24 के लिए, सारे के सारे बैचेस है, फाउंडेशन, इवॉल्व, एसेंट, एक बार आप जाके अनअकैडमी की वेबसाइट देख सकते हैं, और प्लस के आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट्स, स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर, स्टडी प्लानर, दोस्तों लाइव क्लासेस, ये सारी की सारी चीजें, सभी चीजों का मतलब ये जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। दोस्तों इसमें ये होता है बेसिकली, इसमें ये है दोस्तों बेसिकली कि आप चाहें तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों ST26, इमीडिएटली 10% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये नोट्स जो भी होते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जाने अनजाने सेशन में कोई बात ऐसे मैंने बोली जिसको आपको हर्ट हुआ उसके लिए अपॉलोजीज, मुझे जरूर से बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। किताब का नाम है फ्लो, रिटन बाय मिस्टर मिहाई सेक मिहाई, फिर से मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट किताब के रिव्यू के साथ, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।